फैक्ट्री में लेबर्स काम करेंगे, ओके, एंड लेबर से रिलेटेड या फैक्ट्री से रिलेटेड ऑल एक्सपेंसेस विल गो इनटू ट्रेडिंग अकाउंट. हाँ, तो इट इज कॉस्ट इज ऑल्सो विल गो इन टू द ट्रेडिंग अकाउंट. सुपरवाइजर्स फैक्ट्री से रिलेटेड ओवरहेड्स, ऑल काइंड ऑफ ओवरहेड्स, बट अगर सुपरवाइजर जो है, देर आर फ्यू पीपल हु वर्क्स इन बोथ एरिया. फॉर एग्जाम्पल प्लांट मैनेजर, ओके, या प्रोडक्शन मैनेजर. यू नो हु इज द प्रोडक्शन और प्लांट मैनेजर? कौन होता है प्लांट या प्रोडक्शन मैनेजर कौन होता है? वट काइंड ऑफ वर्क ही डू? वो किस तरीके का काम करते रहता है? ओके, एंड द प्रोडक्शन मैनेजर यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? हाँ, यस. जो प्रोडक्शन मैनेजर जो भी फंक्शंस, बेसिकली हिज वर्क इज व्हाट? प्रोडक्शन मैनेजर को पता कैसे चलेगा कि क्या कितना प्रोड्यूस करना है? किसके पास जाएगा वो ये पता करने के लिए कि कितना प्रोड्यूस करना है? सेल्स के पास जाएगा. ओके, प्रोडक्शन मैनेजर विल गो टू विच डिपार्टमेंट? सेल्स डिपार्टमेंट, टू नो कि कितना प्रोड्यूस करना है. वो अपने मन से तो नहीं डिसाइड करेगा ना कि कितना प्रोड्यूस करना है और कितना नहीं करना है. सो ही हैज़ टू कोऑर्डिनेट. प्लस उसके लिए वो जो भी प्रोडक्शन लेना है, वो लेने के लिए उसे जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है उसका डिस्कशन करने के लिए वो किसके पास जाएगा? जो भी प्रोडक्शन उसे लेना है उसके लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको पता करने के लिए वो किसके पास जाएगा? नहीं, हु ब्रिंग इन द मटेरियल इन द फैक्ट्री? विच डिपार्टमेंट? परचेज डिपार्टमेंट ब्रिंग्स इन द मटेरियल इन द फैक्ट्री. सो ही विल हैव टू गो टू द परचेज डिपार्टमेंट कि मुझे इतना सेल से ऑर्डर मिला है, उसके लिए मुझे इतना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज इतना ऑर्डर कर दो, राइट? देन ही विल हैव टू ऑल्सो कोऑर्डिनेट, वो जो प्रोडक्शन लेना है उसके लिए मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है, ये बताने वो किसके पास जाएगा? जो भी प्रोडक्शन लेना है उसके लिए मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है, ओके, ये बताने के लिए वो किसके पास जाएगा? एचआर के पास जाएगा. एचआर विल प्रोवाइड हिम द पीपल दोज आर रिक्वायर्ड इन द प्लांट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पज, ओके. सो बेसिकली प्रोडक्शन मैनेजर का सैलरी अगर 1 लाख रुपया है महीने का, तो ही इज अ पर्सन हु वर्क्स इन अ हु सिट डाउन इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस एज वेल, एंड बिकॉज ही हैज टू कोऑर्डिनेट विद द पीपल हु आर इन द कॉर्पोरेट. बट वही लेबर जाके नहीं पूछेगा ना कि CFO को या CEO को या प्रोडक्शन मैनेजर को कि कितना प्रोडक्शन करना है मुझे बताओ, मैं लेबर हूँ, राइट? तो किसका काम होता है द लिंक बिटवीन द प्लांट एरिया एंड द कॉर्पोरेट एरिया? ये किसका कौन लिंक क्रिएट करता है इसके बीच में? प्रोडक्शन मैनेजर लिंक क्रिएट करता है. सो उसका जो सैलरी है, उसका सैलरी का सम पार्ट कैन गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट, सम पार्ट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बट उसके लिए वो बाइफर्केशन अवेलेबल होना कंपनी के पास बहुत ज़रूरी है, ओके. अगर कंपनी के पास वो बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं है, देन इट इज़ ऑफ नो यूज. यू कैन नॉट स्प्लिट द एक्सपेंसेज विच शुड गो इन टू द ट्रेडिंग अकाउंट एंड विच शुड गो इन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके. फैन काय झालं? मूव. वॉट मूव? आदिवासनच झालंय, पण आय गेस दिसतंय ना. वेट अ मिनिट, शिफ्ट करायचंय. 2 मिनटं कृष्णा, नाही ऋषिकेश तू भरा थोडंसं या साईडला येते का बघ. बट आय डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज बिकॉज वो वापस ऐसे हो जाता है. ट्राय कर, उभं राहा बेंचवर, उभं राहा 2 मिनटं आणि ते थोडंसं या साईडला होते का चेक कर. ओके, चलो लेट्स लुक ॲट द एक्सपेन्सेस विच आर प्रोव्हाइडेड इन टू द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट नाउ. हां, बस बस पण ते सारखं असं डिगडिगी डिगडिगी डिग होत आहे. थोडासा खालना एकदा सपोर्ट देऊन बघ त्याला स्टेबल. हां, झालं 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 झालं, ओके. तुम्हाला लाईट जास्त होते का त्याच्यावर? आय थिंक सो. थोडासा एक लाईट बंद करा, इथला हावाला लाईट बंद करा. तन्वी, डू द ऑनर प्लीज. बटन माहिती आहे का? नाही होते बटन, नाही माहिती तुला? कोपऱ्यात बसणाऱ्या लोकांनी सगळ्यांनी जागा बदलल्या ना पुन्हा? कोणाला कुठे बसायला सांगितलं होतं? डिसएडव्हान्टेज ऑफ मॅमचं टेन्शन नाही आहे ना, सबने डिसएडव्हान्टेज लिया उसका. अरे यार, बच्चे लोगों को किधर बैठने बोला था?
विच साइड, दैट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है चलो. सैलरी गेट्स ग्रीटेड ना ट्रेडिशनली, मतलब आपको उसके उस पर्पज के लिए सैलरी को डिवाइड ही करना पड़ेगा जो बंदा दोनों तरफ काम कर रहा है. स्प्लिट अवेलेबल करना पड़ता है कॉस्टिंग के लिए, एंड दैट्स व्हाट, उसके लिए कॉस्टिंग का एक बेस लगता है कि ये बंदे का कितना पोर्शन, हाउ मच टाइम ही स्पेंडिंग इन अ से मंथ, 40% 60% बेस्ड ऑन द आवर्स, दैट स्प्लिट हैज टू बी गिवन बाय कॉस्टिंग. तो जहाँ पे कॉस्टिंग करना कंपलसरी है, जहाँ पे 25 करोड़ के ऊपर का टर्न ओवर है, कॉस्ट अकाउंटेंट कंपलसरी है. ओके तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वैसे ही कौन होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, राइट, जो कॉस्टिंग का ऑडिट करता है. कौन सी डिग्री लगती है उसके लिए बच्चों कॉमर्स में, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए क्या लगता है, CMA. ओके विच वॉज अर्लियर नोन एज ICWA, ना जो पहले की ICWA इंस्टीट्यूट के थ्रू रन होता था, नाउ इट इज कॉल्ड एज अ CMA. इट इज़ इंटरेस्टिंग फील्ड. इफ यू डू नॉट लाइक डूइंग एन अकाउंटिंग, किसको किधर, कॉस्टिंग में जाओ. ओके ठीक है, अगर अकाउंटिंग पसंद नहीं है तो कॉस्टिंग उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग है. यस मैथ्स है बट मतलब कंसेप्ट ही अलग है ना, मैथ्स नहीं बोल सकती मैं, कोर मैथ्स, मैथ्स तो हर जगह पे है, नॉट डिरेक्टली बट यस इनडिरेक्टली यू विल हैव मैथ्स एवरीवेयर. ओके ओके चलो, लुक एट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. व्हाट इज द फर्स्ट लाइन वी हैव सीन ओवर हियर, हमने ये कल ही देख लिया था. अगर ग्रॉस लॉस होता है तो कौन से साइड में डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज लॉस विल ऑलवेज हैव विच बैलेंस, लॉस का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा. ओके देखो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चला, लेट्स कम अप टू द ट्रेडिंग अकाउंट जो लोग कल नहीं थे. ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ये पता चला मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे हमने रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स बनाने तक के खर्चे सारे ट्रेडिंग अकाउंट में डाले. ट्रेडिंग अकाउंट में एक ही मेन इनकम जाता है, द लाइक आपका मेन इनकम क्या है, आप क्या प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर कर रहे थे, बॉटल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो वाटर बॉटल सेल करके जो भी आपका इनकम होगा दैट सेल्स वैल्यू विल बी पुट ओनली ओवर हियर. तो मेन इनकम जो है वो आपका हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. अगर यही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है और कोई आईटी कंपनी है तो विल दे हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, कौन सी कंपनी है, आईटी कंपनी इन्फोसिस, विल दे हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं, यस और नो, एवरीबडी विल हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट. ओके बिजनेस कोई भी रहे सबके पास, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप मैन्युफैक्चर करो, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में भी हो तो भी एक कोर एक्टिविटी होगा ना आपका कि मेन इनकम कहाँ से आ रहा है. तो आईटी इंडस्ट्री में मेन इनकम कहाँ से आता है, बाय सेलिंग द सॉफ्टवेयर, राइट, तो वो कहाँ पे, वो सेल्स कहाँ पे बताओगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. वो बनाने के लिए जितने भी लोगों ने काम किया उनके सैलरी उनके रिलेटेड एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे. फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, बाकी सब मैनेजर्स जो डायरेक्टली कोडिंग का काम नहीं कर रहे, कस्टमर को डिलीवरी देने का काम नहीं कर रहे, बट जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, टीम लीडर जिसे हम कहते हैं, सीनियर मैनेजर जिसे हम कहते हैं, इन सबकी सैलरी कहाँ पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. ऊपर के जो एक्सपेंसेस हैं, ओके खाने पीने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक्सेट्रा, राइट, ऑल दीज एक्सपेंसेस विल गो इन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो वहाँ पे बाइफर्केशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट सी एवरी बिजनेस विल हैव टू डू दैट बाइफर्केशन. तो आपके मेन एक्टिविटी से जो बिजनेस को प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो उसे क्या कहना है, ग्रॉस लॉस. एक्सपेंसेस ज्यादा है दैन द इनकम, एक्सपेंसेस ज्यादा है दैन द इनकम तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा. मेन बिजनेस मतलब मेन प्रोडक्ट को सेल करके अगर आपको लॉस हुआ तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि आपको नेट में प्रॉफिट होगा. ओके और अगर आपकी इनकम ज्यादा है, इनकम इज इन एक्सेस ऑफ द एक्सपेंसेस, देन यू विल हैव अ ग्रॉस प्रॉफिट, राइट. ग्रॉस प्रॉफिट इज विच बैलेंस, कौन से साइड में लिखा है, कैरी डाउन यहाँ पे कौन से साइड में लिखा है, डेबिट साइड में लिखा है, बट ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है. ओके ग्रॉस लॉस कौन से साइड में लिखा है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा है, बट ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है. क्लियर. ओके सो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो फर्दर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद उसके नीचे बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में फर्स्ट एंट्री होगा ग्रॉस प्रॉफिट का. अब ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अलग अलग इनकम को आप ऐड कर सकते हो जिसे कि हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम. सो मतलब मेन आपका जो प्रोडक्ट है उसको उसका सेल्स नहीं, उसका सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में कवर हो गया, तो बाकी के सटर फटर इनकम क्या हो सकते हैं आपके,
बाकी के सटर फटर इनकम यहाँ पे देखो, बाकी के सटर फटर इनकम क्या हो सकते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा की प्रीमाइसेस है, आपने उसको रेंट पे दे दिया, सो यू आर अर्निंग रेंट पर मंथ। इसका और आपकी बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का कोई लिंक है क्या, कोई लेना देना है क्या? नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस था, आपने रेंट पे दे दिया, बात खत्म हो गई, राइट। उसके बाद आपके पास क्या आया, कमीशन मिला, आपने किसी का कुछ काम करा के दिया, सेल्स करा के दिए या मे बी कुछ मार्केटिंग का काम करा के दिया, तो आपको उसके ऊपर क्या मिल रहा, कमीशन मिल रहा है। देन यू हैव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसे पड़े थे कैश, आपने वो इन्वेस्ट कर दी, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला। ये सारे क्या है, आपके ऊपर के इनकम है इसका, और बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी लेना देना नहीं है, ओके ठीक है। एंड दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड एज अ, क्या कहते हैं हम इसे, इनडायरेक्ट इनकम, इसे क्या कहना है, इनडायरेक्ट इनकम कहना है, ओके। कमिंग बैक हियर, देन यू हैव अ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट? इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रीटेड लाइक एन बॉन्ड, शेयर्स, यू नो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इट इज कॉल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट ओवर हियर। व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिट्स? फिक्स डिपॉजिट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आर देयर? फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट बताया था मैंने आप लोगों को, राइट। एवरी मंथ यू विल पुट इन सम फिक्स्ड अमाउंट इनटू दैट डिपॉजिट, इज कॉल्ड एज अ रिकरिंग डिपॉजिट। हर महीने 100 रुपये डाल रहे हो, ओके। और देयर कैन बी अ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड अ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। आज की डेट में मार्केट में आपको पता है इंटरेस्ट रेट जो है वो कम से कम कितने मंथ के लिए स्टार्ट होता है, कितने मंथ आपको वो डिपॉजिट रखना है, शॉर्ट टू शॉर्ट पीरियड का डिपॉजिट कितने मंथ का होगा? नहीं, अरे माय गॉड, इतना मतलब एक ही महीना दोगे क्या? नहीं, 1 ईयर वो भी नहीं, इट इज ऑफ 13 मंथ्स। कितना? 1 ईयर भी नहीं, 13 मंथ्स के लिए। आज मार्केट में बैंक की जो भी रेट्स होते हैं ना वो डिफाइन होते हैं 13 मंथ्स के लिए, ओके। एंड इट गोज इन टू द टेबल ऑफ द 13, 26 लाइक दैट, फाइन, ओके। सो ते एक वर्ष दोन वर्ष असं नाही, महिन्यांमध्ये 13 महिने, 26 मंथ्स एक्सेट्रा असं डिफाईन असतं, अँड दॅट दिस इज कॉल्ड एज अ पर एनम इन दॅट केस। सो इसके हिसाब से यहाँ पे कॅल्क्युलेट हो जाएगा 6%, 7%, 8%, ओके। सो डिपॉजिट्स विल बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर 5 सालों का आपने एक ही बार डिपॉजिट किया, इट विल हैव द हाइएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। वही जितना शॉर्ट टर्म पीरियड का करोगे उतना इंटरेस्ट का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट ऐसा एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे आप 5 सालों से ज़्यादा कर रहे हो, बट मान लो 7 सालों से ज़्यादा करोगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा। 5 सालों के लिए इंटरेस्ट अगर 8% दे रहे हैं, ओके, तो 7 ईयर्स के लिए दे माइट गिव यू ओनली 7.5%। दिस इज हाउ द इंटरेस्ट रेट्स आर डिफाइंड इन द मार्केट, ओके। तो एक कोई भी बैंक में जब भी जाते हो, हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल डू नॉट हैव अ बैंक अकाउंट? कब खुलेगा? हाँ, क्या खुद की बैंक खोलोगे और फिर अकाउंट खोलने का इरादा है आप लोगों का? नहीं ना, कि ढूंढ रहे हो मतलब मार्केट में इतनी अच्छी बैंक से, यार इधर खोलो कि उधर खोलो, कौन बुला रहा है मुझे? हाँ, क्या क्या बैंक? हाँ वही तो बोल रही हूँ, मतलब खुद की बैंक खोलूंगा फिर अकाउंट खोलूंगा, ऐसा किसी का इरादा है तो बता दो। कुछ नहीं करोगे तुम लोग, 1 हफ्ते के अंदर मुझे बैंक अकाउंट चाहिए तुम लोगों का, ठीक है। हम जिस एरिया में रहते हैं ना उसके आजू बाजू गली, हर एक गली में एक बैंक है, आप पूछोगे मुझे तो ऐसे नीचे, अपने नीचे बैंक है, ओके, गो टू दैट बैंक, ठीक है। 7वां बैंक पर चले जाओ, खुश हो जाएंगे, बिशप के बच्चे आ गए हमारे पास अकाउंट ओपन करने, ठीक है। तो प्लीज ओपन एन अकाउंट, बिकॉज जब तक तुम जाओगे नहीं, BRS जैसा चैप्टर है ना, सर खाओगे तुम लोग मेरा, ओके। जब तक खुद का पासबुक देखोगे नहीं ना, तब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है। सो प्लीज ओपन BRS टॉपिक लेने से पहले मुझे हर एक का बैंक अकाउंट चाहिए विद सम ट्रांजैक्शन। फालतू में पैसे डालो, निकालो, टाइम पास करो जरा सा, ओके। स्लिप भर के देखो क्या आता है क्या नहीं, क्या करते हैं, कितनी बार डांटते हैं, किधर क्या डालना है क्या नहीं, राइट। ऐसे टाइम पास के लिए जाओ ना, हर हफ्ते जाओ, कुछ तो करो, चेक फालतू में किसी को, फ्रेंड को चेक दे दो, जा डिपॉजिट करके आ जा तेरी बैंक में, ओके। डू दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, हाँ, बाउंसिंग चार्जेस डबल करके लेना अपनी फ्रेंड से। क्या चेकबुक नहीं मिलेगा आप लोगों को, माइनर को? नेट बैंकिंग मिलेगा? नेट बैंकिंग तो मिलेगा, नेट बैंकिंग तो एवरी बैंक शुड गिव यू। अच्छा, आप लोग किसी को चेक मत लो, किसी और का चेक तो अपने बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो ना, पापा मम्मी से ले लो 100-200 रुपए का चेक, ओके। ऐसे ही टाइम पास के लिए ना, देखो मैं कॉमर्स सीख रहा हूँ, लगना तो चाहिए उनको तुम लोग कॉमर्स में हो करके, मैम ने बोला है। हर महीने अकाउंट में 100 रुपए का चेक डालने के लिए बोला है, ओके। ओके, चलो। सो
दिस इज हाउ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विल डिफर एंड दैट्स व्हाट यू शुड गो एंड नो इट. ओके, आपके पास अगर नेट बैंकिंग भी है ना तो वहाँ पे भी पता चलता है आप लोगों को कि कितने मंथ्स का क्या इंटरेस्ट रेट है. ओके, देन कम्स अ मिसलेनियस इनकम. वॉट काइंड ऑफ मिसलेनियस इनकम? मम्मी को याद करो, जब मम्मी रद्दी बेचती है तो वो क्या होता है मम्मी के लिए? मिसलेनियस इनकम हो जाता है. तो वैसे ही कंपनी के लिए स्क्रैप सेल किया, ओके, दिस काइंड ऑफ इनकम्स विल बिकम अ मिसलेनियस इनकम. देन यू हैव एनी गिफ्ट्स रिसीव्ड विल ऑल्सो बी एन मिसलेनियस इनकम. ओके, हाँ, दैट विल कम. मा 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 कुठे पोचलास तू? इट विल कम हियर. ओके, सो देन यू हैव द डिस्काउंट रिसीव. डिस्काउंट रिसीव तो सबने देखा है ना, कैश डिस्काउंट अलाउड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव. सो इट विल ऑल्सो बी डिफाइंड सेपरेटली. इसको मिसलेनियस के अंदर डालना नहीं है. तो अब कंपनी को लॉस क्यों हो सकता है? अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट था 2 लाख रुपीज का, आपने बाकी के इनकम्स भी इसमें ऐड कर लिए. मान लो बाकी सब मिला के आपके इनकम थे और 3 लाख रुपए के, कितने के थे? 3 लाख्स के. तो टोटल आपकी इनकम साइड जो है इसकी टोटल कितनी है? 5 लाख रुपीज है. बट लेट्स लुक एट एन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट्स ह्यूज. एंड व्हेन आई सेड ओके गो एंड जस्ट सर्च ऑन द नेट, किसी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डालो, जो भी पब्लिक मतलब लिस्टेड कंपनी है ना उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको फ्री में देखने मिलेगा. मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप जस्ट पुट इन द नेम ऑफ दैट कंपनी एंड जस्ट सर्च फॉर एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इतनी सारी लाइंस दिखेगी, द रियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अर्लियर इट यूज टू कम लाइक फिजिकल कॉपी आता था, ओके, हार्ड कॉपी मिलता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. नाउ फॉर लास्ट 10 ईयर्स आई थिंक जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, मैंने 2009-10 के बाद मुझे नहीं लगता कोई कंपनी का मुझे प्रिंटेड ये आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आया. सो नाउ व्हाट इज इट कम्स इन अ डिजिटल फॉर्मेट, आपके ईमेल पे आ जाता है. ऑल द ईमेल आईडीज आर देयर. जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो उनके पास आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब कुछ होता है. ओके, सो दिस एक्चुअली इट गोज फॉर मोर देन 250 to 300 pages. कितने का होता है वो ऑडिट रिपोर्ट कम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट? 250 to 300 pages ऑल द बिग कंपनी. बिकॉज सोचो कंसोलिडेशन क्या लेवल पे होगा. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसोलिडेशन? क्या होता होगा कंसोलिडेशन? इन्फोसिस कंपनी, राइट? कितने जगह पे आज इंडिया में? हाउ मेनी प्लेसेस डू यू नो इन्फोसिस कंपनी ऑपरेट्स फ्रॉम? नहीं पता है? अच्छा, कौन सी कंपनी पता है? कौन सी कंपनी पता है कि कहाँ कहाँ पर है इंडिया में? हाँ ठीक है, टाटा का एग्जाम्पल बताओ. किधर है टाटा का दूसरा यूनिट? चिंचवड़गांव छोड़ के जमशेदपुर, ओके, और नोएडा में है. ओके, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव मारुति सुजुकी. कहाँ पर है मेनली? मारुति सुजुकी इज इन नोएडा, राइट? एंड आई थिंक SEZ होने के बाद देवर समवेयर इन द MP UP में भी कहीं पर है, झारखंड वाले साइड में कहीं तो है. ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है ये कोल्हापुर के आगे? नो, कोल्हापुर के आगे धारवाड़ सुना है आप लोगों ने? धारवाड़, ओके, धारवाड़ इज ऑल्सो प्लेस विच इज़ एन क्वाइट एन बिग इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स की बहुत सारी कंपनीज है. बेसिकली अगर मेरा एक यूनिट पुणे में है, एक कहीं जमशेदपुर में है, राइट, तो एवरी यूनिट इज मेकिंग सम प्रॉफिट एंड लॉसेस, करेक्ट? हर कंपनी, हर एक यूनिट एक प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है. तो क्या करना चाहिए मुझे? ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जानना है ना, राइट? एज अ VP आई वॉन्ट टू नो द ओवरऑल कंपनीज परफॉर्मेंस. सो दे विल बी मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नंबर 1 फॉर पुणे, ओके, देन सेपरेटली मेकिंग इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नंबर 2 फॉर से जमशेदपुर. ओके, सो ऑल दिस जितने भी यूनिट जहाँ जहाँ कहीं पर है सबका मिला के एक कंसॉलिडेटेड बैलेंस शीट PNL बनता होगा. तो सोचो उसका वॉल्यूम कितना बिग होगा, राइट? सो इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे हैव टू शो इट सेगमेंट वाइज, दे हैव टू शो इट रीजन वाइज, एंड देन दे हैव टू कंसोलिडेट इट. सो इट्स नॉट ए इजी टास्क फॉर एन चार्टर्ड अकाउंटेंट डू दिस काइंड ऑफ असाइनमेंट्स. एंड इसलिए उनकी ऑडिट फीस जो है वो करोड़ों में होती है. ऐसे बड़े क्लाइंट्स का सारी फैक्ट्रीज का ऑडिट करके उनको यू नो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देना, फाइन? सो यहाँ पे जो है ये एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. और कितनी गिनी चुनी लाइंस दी है आप लोगों को, बिकॉज इन योर 11th स्टैंडर्ड यू विल हैव लिमिटेड आइटम्स इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइन? ये कोई भी हमें रट्टा मारना नहीं है. विल क्विकली लुक एट द मीनिंग्स गिवन ओवर हियर. द फर्स्ट एक्सपेंडिचर गिवन इज सैलरीज, एंड उसके बाद क्या लिखा है? वेजेस. ओके, सो देर आर फ्यू पीपल हु विल बी वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एज वेल एज वर्किंग इन अ प्लांट. तो जनरली ऐसा होता है कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी वर्ड पहले आया है तो वो कहाँ पे डालना है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. एंड अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस एंड सैलरी ऐसा वर्डिंग दिया तो कहाँ पे डालना है ये खर्चा?
ये खर्चा डालना है ट्रेडिंग में. ओके, विच वर्ड कम्स फर्स्ट देयर वी विल पुट इट, बिकॉज फ्यू पीपल आर स्प्लिटेड इनटू बोथ द थिंग्स. ओके, जो फैक्ट्री में काम करता है वो यहाँ पे भी काम कर सकता है, और जो कॉर्पोरेट में काम करता है उसका थोड़ा सा टाइम वो फैक्ट्री में भी दे सकता है. एंड दैट्स व्हाट इट इज, वेजेस एंड सैलरी एंड सैलरी एंड वेजेस. देन कम्स द रेंट रेट्स एंड टैक्सेस. तो किस चीज़ के ये रेंट रेट्स एंड टैक्सेस होंगे? फैक्ट्री के नहीं, फैक्ट्री का छोड़ के. ओके, आपके कॉर्पोरेट ऑफिस का अगर रेंट है, कॉर्पोरेट ऑफिस, तो जनरली यू विल फाइंड द वर्ड ऑफिस रेंट. ऑफिस रेंट ये वर्ड आया तो कहाँ पे डालना है? प्रॉफिट एंड लॉस में. फैक्ट्री रेंट ये वर्ड आया तो कहाँ पे डालोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में. ओके, और कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ रेंट दिया, ना ही ऑफिस बोला ना ही फैक्ट्री बोला, कहाँ पे डालोगे? इट विल ऑलवेज बी पुट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, देन रेंट रेंट्स एंड टैक्सेस लाइक स्मॉल टैक्सेस, यू कैन से सम प्रॉपर्टी टैक्सेस दैट यू पे फॉर द प्रीमाइसेस, और ऑक्ट्रॉय एक्सेट्रा होता है, राइट? सो अगर ऐसे कोई छोटे मोटे टैक्सेस है, रेंट रेट्स है, तो दोज विल बी पुट इन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसिडरिंग इट एज इनडायरेक्ट वन, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. इंश्योरेंस, किस चीज़ का इंश्योरेंस चाहिए? ऑफिस प्रीमाइसेस का इंश्योरेंस चाहिए. किसका है? ऑफिस प्रीमाइसेस का इंश्योरेंस है. देर आर टू थ्री डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. ओके, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, ऑल ऑफ यू नो इट. कंपनी के अंदर क्या लाइफ इंश्योरेंस होगा, कि कौन सा इंश्योरेंस होगा? फैक्ट्री के लिए या ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए क्या लाइफ इंश्योरेंस चाहिए आपको? किसका लाइफ इंश्योरेंस करना? कंपनी हैबिट. ओके, हैव यू हर्ड कि जो लोग कंपनी में काम करते हैं इनको कभी भी कोई भी हॉस्पिटल में बिल पे करना पड़ता नहीं है? क्यों? क्योंकि कंपनी ने उनके लिए इंश्योरेंस लेके रखा है. सो इवन कंपनी प्रोवाइड सम काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी. प्लस कंपनी हैज टू टेक देयर इंश्योरेंस विच इज कॉल्ड एज अ जनरल इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस मतलब प्रीमाइसेस के अंदर कुछ भी हुआ, राइट, सारी एसेट को कवर करने वाला इंश्योरेंस जो होगा उसे क्या कहा जाएगा? जनरल इंश्योरेंस कहा जाएगा. फाइन, मतलब आई रिमेम्बर द, यहाँ पे ना आई रिमेम्बर लाइक जो ग्रीनफील्ड कंपनी था जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था, इंश्योरेंस वाले कितने स्मार्ट होते हैं. मतलब देखो क्या होता है कि आपको आपके एसेट का लिस्ट देना पड़ता है, ठीक है, कि कितने एसेट्स है आपके पास और उसका वैल्यूएशन क्या है, और उसके बेसिस पे वो बोलते हैं कि तुम्हें कितना सम, डू यू अंडरस्टैंड सम एश्योर्ड. अगर एसेट्स को कुछ भी हो गया तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज वॉट? सम एश्योर्ड. तो मान लो सम एश्योर्ड रुपीज़ है 1 करोड़ रुपीज़. आपके पास आपके एरिया में जितनी भी एसेट्स है उसका वैल्यूएशन कितना है? 1 करोड़. तो आप क्या बोलोगे, मुझे कितने का इंश्योरेंस चाहिए? 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए. अब उसके लिए क्या आपको प्रीमियम 1 करोड़ पे करना है? नहीं पे करना. कितना पे करोगे? जो भी नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से कैलकुलेट होगा, व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ योर एसेट, यू नो वैल्यूएशन क्या है, एसेट का टाइप क्या है, आईटी एसेट्स है, नॉन आईटी एसेट्स है, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करती है कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होगा. ये पर एनम इंश्योरेंस प्रीमियम के चार्जेस है, ये सम एश्योर्ड नहीं है. सम एश्योर्ड बुक्स में कहीं पर भी लिखा जाता नहीं है, क्योंकि वो आपको कब मिलने वाला है? कॉन्टिंजेंट है वो. वॉट यू मीन बाय कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी? वी हैव लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर, राइट? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एक वर्डिंग आया था हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर के अंदर. वॉट यू मीन बाय कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी? यस, विच यू माइट हैव टू इनकर, विच यू माइट हैव टू पे. सो जो इंश्योरेंस या इस केस में जो है ये आपका कॉन्टिंजेंट एसेट हो सकता है, कि आपको अगर आपके प्रीमाइसेस में कुछ हो गया तो आपको वो पैसे इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे. ओके, तो वो सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपया आपके बैलेंस शीट में वगैरह वगैरह कहीं पे दिखाई देगा नहीं. जब कुछ हो जाएगा तब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी. सो आई रिमेम्बर वो किस्सा कि हमने उन लोगों को सब लिस्ट दे दिया कि फिक्स एसेट क्या क्या है. ओके, फर्स्ट मतलब न्यू कंपनी सेटअप हो रहा है, फर्स्ट टाइम सेटअप इन इंडिया, राइट? कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग पूरी इंडिया में कहीं पे भी नहीं था, जर्मन बेस्ड है, फर्स्ट टाइम आ रही है. तो दे विल कम, दे विल वाउच फॉर योर प्रीमाइसेस, दे विल वाउच फॉर योर ऑल द एसेट्स एंड एक्सेट्रा. एंड दे वर नॉट रेडी टू गिव अस अ ग्रीन सिग्नल कि चलो आज की डेट से आपका इंश्योरेंस डन है. क्यों नहीं दिया होगा सोचो? नहीं, सिर्फ एक गलती, मतलब दे केम एंड दे वाउच फॉर ऑल द प्रीमाइसेस, और एक गलती ऐसा निकला कि दे सेड कि नहीं, जब तक आप ये नहीं करोगे आपका इंश्योरेंस नहीं होगा. ओके, कैन यू गेस इट? आग लग गई तो कैसे पता चलेगा, सोचो. हाँ, फायर अलार्म्स. फायर अलार्म्स कैसे काम करते हैं? डू यू नो दैट कैसे काम करता है? कब? धुआं, राइट? राइट. सो धुआं उड़ेगा तो कैसे पता चलेगा क्या होता है वहां पे? देखा आप लोगों ने वो सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं. ओके, एंड द प्रॉब्लम हैपन दैट जहां कहीं पे भी स्मोक डिटेक्टर्स
लगाए थे उसका कैप ही निकाला नहीं था। पूरे फैक्ट्री के अंदर जितने भी स्मोक डिटेक्टर्स थे, क्या नहीं निकाला था? कैप्स नहीं निकाले थे, तो वो स्मोक कैसे डिटेक्ट करेगा, राइट? सो दे सेड कि फर्स्ट पहले इसको रिमूव करो, जिस दिन ये काम हो जाएगा हम वापस देखने आएंगे, फिर उस दिन से आपका इंश्योरेंस स्टार्ट होगा। क्योंकि इस केस में रिस्क किसका था? हम बोलेंगे हाँ हाँ इंश्योरेंस तो निकाला है हमने, पर वो क्या कहेंगे, नहीं इट वॉज योर फॉल्ट दैट यू डिड नॉट रिमूव द स्मोक डिटेक्टर्स, तो अलार्म नहीं बजेंगे तो आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे? मतलब गलती किसकी होगी? हमारी होगी, तो हमें इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे नहीं। ओके, इंश्योरेंस ऑडिट जब होता है तो बहुत सारी चीज़ें, सीसीटीवी कैमरास, एवरीबडी, कौन वहाँ पे गया, कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, राइट? कि आपने जानबूझ के किया, अगर जानबूझ के किया है पता चला तो इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा नहीं। सो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे ये लोग देखते हैं। एंड दिस प्रीमियम इज़ फॉर पर एनम, हर साल आपको इसको रिन्यू करना पड़ता है। अगर आपने इसके रिन्यूअल में एक दिन दो दिन का भी लैप्स हो गया और उस दो दिन के अंदर आपके प्रीमाइसेस में कुछ भी हुआ तो आपको कवर करेंगे नहीं। दे मैक्स टू मैक्स दे गिव यू 2 डेज ग्रेस डेज। ओके, उसके अंदर आपने अगर प्रीमियम पे किया नहीं तो आपके प्रीमाइसेस कवर्ड होंगे नहीं। और कभी भी इंश्योरेंस का पॉलिसी जो है इसकी डेट लैप्स मत करना, बिकॉज वो नए से वापस पॉलिसी स्टार्ट करते हैं। ओके, और फिर प्रीमियम वापस बढ़ते जाता है, आपको पहले के पॉलिसी पेमेंट का बेनिफिट मिलता नहीं है, पहले के प्रीमियम का बेनिफिट मिलता नहीं है। ओके, या इट इज़ कवर्डिंग द स्पाउस एंड द चिल्ड्रन, बट पेरेंट्स आर नॉट कवर्ड। और अगर आप मतलब अगर आप मैरिड नहीं हो देन दे विल कवर योर पेरेंट्स। ओके, सो दैट डिपेंड्स अपॉन, सो कंपनी कॉस्ट बेयर करती है बट उस प्रीमियम की, राइट? सो वॉट एवर यू नो एनीथिंग हैपन्स टू योर फैमिली मेम्बर्स, दे विल बी कवरिंग योर, मैक्सिमम 4 फैमिली मेम्बर्स जनरली आज के डेट में कवर्ड होते हैं। नहीं देंगे ना क्लेम, वो ग्रीन सिग्नल दे ही नहीं सकता। यू नो दे हैव द लिस्ट ऑफ 100 थिंग्स दैट दे नीड टू टिक मार्क बिफोर गिविंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इटसेल्फ। नहीं ना, सो हूज चकना नहीं, दे आर देयर इन द मार्केट फॉर हाउ मेनी इयर्स, कितने सालों से है वो गया, वो जो जिसने इंश्योरेंस दिया उसका जॉब गया, पर आपको तो पैसा नहीं मिलने वाला है फॉर श्योर, नहीं मिलेगा। गलती किसका है? गलती आपका है ना, राइट? वो इंश्योरेंस बंदा तो ठीक है, वो टिक मार्क कर रहे हैं, उसने उसने भी गलती किया, उसका तो जॉब चला ही जाएगा, बट आपको भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा बिकॉज यू डिड नॉट। इंश्योरेंस क्यों देते हैं पता है ना आप लोगों को? द रिस्क विच कैन बी कवर्ड, राइट? उसके लिए इंश्योरेंस मिलता है। ऐसे रिस्क जो कवर्ड ही नहीं हो सकती उसके लिए इंश्योरेंस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जो रिस्क आप कंट्रोल कर सकते हो, आग लगने को कंट्रोल किया जा सकता है, राइट? आप ऐसे सिस्टम सेट कर सकते हो कि आग ही नहीं लगे फैक्ट्री में, आप उतने प्रिकॉशंस ले लो, पहली ही सारी चीज़ें ठीक से करो, राइट? तो जो रिस्क होती है जो आप कंट्रोल कर सकते हो उसी के लिए इंश्योरेंस मिलता है। जो रिस्क कंट्रोल ही नहीं हो सकती है उसके लिए कभी भी कोई कंपनी इंश्योरेंस देगा नहीं। ओके, अर्लियर इवन यू नो कैंसर्स के लिए इंश्योरेंस नहीं कवर्ड था, यू नो पहले के डेट में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कैंसर है, कौन से स्टेज पे है, क्या है। आजकल कंपनी कैंसर का, बिकॉज इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन नाउ, कैंसर होना किसी को कितना कॉमन हो गया है, राइट? इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन, तो अगर उसके लिए इंश्योरेंस नहीं देंगे तो आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा, बिकॉज कैंसर की ट्रीटमेंट कितनी एक्सपेंसिव है आज के डेट में। ओके, सो इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन नाउ, सो नाउ डेज कैंसर के लिए इंश्योरेंस मिलता है। सभी के लिए, फैक्ट्री में आग लगना, फैक्ट्री के ऐसे चोरी होना, गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए, हाँ हाँ नहीं, तो वो अमाउंट फैक्ट्री वो डिसाइड करते हैं। आप बोलोगे कि मेरे जो गुड्स है 10 लाख का गुड्स, मतलब उसका कॉस्टिंग आप बताओगे कि 10 लाख का है, राइट? हाँ, बट पूरा 2 लाख नहीं देंगे वो लोग, मैं वही बोल रही हूँ, उसका वैल्यूएशन वो डिसाइड करते हैं। आप बोलोगे कि मेरे 2 लाख के गुड्स थे जो जल गए ना, 100 क्वांटिटी था उसमें से 20 क्वांटिटी जल गए जिसका वैल्यू 2 लाख रुपया था, बट वो डिसाइड करेंगे कि क्या सच में उसका कॉस्टिंग 2 लाख रुपया था या नहीं था, बिकॉज 2 लाख रुपीज आप क्या बताओगे, ये कॉस्टिंग है। ओके, दिस इज नॉट द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड, कॉस्ट कितने कॉस्टिंग के गुड्स जल गए, राइट? हाँ ऑब्वियसली, कैसे हुआ ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हो, इसलिए ऐसा नहीं कि आज इंश्योरेंस निकाला, आज आग लग गई, दूसरे दिन पैसे आ गए अकाउंट में, दिस नेवर हैपेंस। हाँ, इंश्योरेंस ही नहीं देंगे, स्मोक डिटेक्टर्स इज कंपलसरी। ओके, स्मोक डिटेक्टर्स कंपलसरी है, नहीं तो मतलब आप रिस्क,
ऐसे किधर भी आग लग जाएगी, जल्दी से पता भी नहीं चलेगा और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा तो उनको ज़्यादा क्लेम पे करना पड़ेगा. ओके चलो बैंक चार्जेस क्या होगा? बैंक चार्जेस बैंक कोई चार्जेस लगाती है कि नहीं लगाती है? लगाती है चेक देने के लिए चार्जेस. जाओ ना बैंक में पूछो ना किस चीज़ का चार्ज लगेगा. ओके चेक देने के चार्ज लगेगा, स्टेटमेंट मांगोगे, प्रिंटेड कॉपी मांगोगे, कंजूस बैंक 100 रुपये लगा देगी. ओके एक स्टेटमेंट का लिए बोलेंगे नहीं आपको प्रिंट आउट चाहिए तो आज सब कुछ डिजिटल मिलता है, प्रिंट आउट चाहिए तो 100 रुपये लगेगा. चेक बाउंस हो गया जैसे उसने बोला ना, चेक डाला बट बाउंस हो गया तो उसकी भी बैंक चार्जेस बैंक लगाएगी. सो ऑल दिस बैंक चार्जेस आर इनडायरेक्ट, नथिंग टू डू विद योर प्रोडक्शन. ओके देन कम्स द डिस्काउंट. डिस्काउंट कौन सा? अलाउड. आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो आपके लिए लॉस है. ओके सो दैट डिस्काउंट गोज इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑडिट फीस कितनी बार पे करते होंगे साल में? एक बार. तो क्या रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? रिकरिंग है. क्यों? क्योंकि हर साल पे करना पड़ेगा. ओके एंड दैट्स व्हाट एवरी ईयर यू विल हैव टू पे द ऑडिट फी. सो इट इज रिकरिंग इन नेचर. इट विल बी डेबिटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन यू हैव सीन द डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट? डेप्रिसिएशन के ब्लॉक्स होते हैं जिनका कॉलेज में डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट हुआ है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी ऑफ यू? डेप्रिसिएशन सब समझ में आ रहा है मैम? कोई नहीं. स्टार्ट किसके कॉलेज में हुआ है डेप्रिसिएशन? हाँ थोड़ा बहुत. SLM WDV हाँ सब सब बाउंसर है कि सब अंदर है? इन की आउट सब बाउंसर है. ओके तुमच्याकडे काय काय झालं? SLM झालं आहे अदिती? स्टेट लाईन मेथड हुआ क्या हुआ? स्टार्ट किया है. ओके बुक की वर्किंग नोट की तरफ बिल्कुल मत करना जैसे बुक में दिया है. ओके आवर स्टाइल ऑफ मेकिंग द वर्किंग नोट इज वेरी सिंपल. आप लोग अच्छे से उसको कर पाओगे. बुक में जिस मेथड से दिया है मुझे नहीं लगता और उसी मेथड से कॉलेज में सिखा रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कभी कुछ समझ में आएगा. अकाउंट्स ऑफ डांस हाउ वाज इट? नाइस. आउट ऑफ डिफिकल्ट? ओके मैम मेरा तो क्या हुआ पता है, लास्ट मिनट को वो सब कुछ चला ही गया. बाप रे टिक किया वो सब कुछ चला गया, मेरे को फिर से टिक करना पड़ा. डबल चांस में आला ना बंटूला चेक कर आला. कशावर दिले तुम्हाला? गुगल फॉर्म्स दिलेत ना? ते रिस्टोर झालं का कसं झालं? टाइम आउट झाला असेल. डिफिकल्ट क्यों था? बट ट्रिकी क्वेश्चन्स थे. डिफिकल्ट इन अ सेंस में आरडीटी निकाल दो. हाँ बनवा तो देणारच नाही ते. डेबिट क्रेडिट बॅलन्स अच्छा दे आस्क यू टू वर्क बेसिकली. इट वॉज नॉट सिंपली लाइक पढ़ो और टिक करो ऐसा नहीं था. ठीक है कैलकुलेशंस था लेजर का डिफिकल्ट क्वेश्चन था. स्क्रीनशॉट है क्या? हाँ चालेल दे. मॉक नको, मॉक वॉज इजी आय गेस. अच्छा हाँ फॉर्म दे नको, आय कॅन लॉग इन. वो तुरंत जीमेल आय डी रजिस्टर कर लेगा, वो जीमेल से लिंक होगा ना. चलो क्या ऑप्शंस थे? वो तो ऑप्शंस भी गलत लग रहे थे मुझे. तुम लोग कैश और दूसरा क्या था? मशीनरी. हाँ तो मशीनरी को नहीं हो, कैश को नहीं होगा. कैश इज द राइट आंसर. ओके मशीनरी को भाई ना आपको कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है, आई डोंट नो कैसे डाला है उन्होंने, बट मशीनरी को भी नहीं होता है जनरली. चलो ओके कैशला कधीच नसतं ना, मग द कैश इज द आंसर ना. कैश नेवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस. मशीनरी को आ सकता है विल लर्न. ठीक है ओके ओके चलो गाइस व्हाट यू मीन बाय डेप्रिसिएशन. चलो चलो ब्रीफ में बता रही हूँ डेप्रिसिएशन क्या है. जल्दी कौन बताएगा डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन हाँ डिक्रीज इन द प्राइस. ओके हाँ और मतलब ऐसा मैंने मोबाइल फोन लिया और ऐसे यहाँ पे रख दिया और डेप्रिसिएट होना स्टार्ट हो गया. हाँ क्यों? मैंने यूज भी नहीं किया, मैंने पैक्ड फोन रखा 6 महीने ऐसा ही रखा. 20,000 का फोन लाया था तो भी डेप्रिसिएट हो गया. क्यों? मार्केट वैल्यू क्यों कम हो रही है? मैंने तो यूज भी नहीं किया, पैक भी अनपैक भी नहीं किया, उसको खोला भी नहीं मैंने. हाँ
नया मॉडल आ गया, याद है तुम लोगों को? ओके, सो आईटी एसेट्स डेप्रिसिएट, त्याला है ना इतल्या कोपऱ्यात बसवा रे तुम्ही, उचला त्याला. गणपती बाप्पा करूया आज आपण. तू ना त्याच्या पुढे अजिबात बोलू नको, केवढा छळतो तू, तुला तू काही बोलत नाहीस त्याला. हा कानात खुसूर पुसूर, मागण केसांना काहीतरी करायचं. हा मला डिस्ट्रॅक्ट करून टाकतो तो, माहितीये का काय चेअर, स्पेशल चेअर पडून जाईल तो, येणारच नाही. चलो, सो डेप्रिसिएशन इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. ओके, तो आपने कोई एसेट अगर 10,000 में लिया था, एक साल उसको यूज करो या ना करो, फाइन. इफ आई, देर आर वेज टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन निकालना, मैंने इतना यूज किया तो सिर्फ इतना ही डेप्रिसिएशन होना चाहिए, दिस विल नॉट हैपन इन द केस ऑफ डेप्रिसिएशन. ओके, डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एज अ नॉन कैश आइटम. ओके, इट इज द ओनली आइटम. डू यू पे डेप्रिसिएशन टू समवन कि इसकी वैल्यू 1,000 कम हो गई तो ये लो 1,000 रुपए तुम रख लो, राइट. इट इज अ नॉन कैश आइटम, इट इज जस्ट द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. इट इज अ लॉस टू यू एंड दैट्स व्हाट इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देर आर डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट इट. एक्चुअल में कितना यूज हुआ ये कोई नहीं बता सकता है कि एक दिन यूज हुआ तो 50 रुपए कम करो, दो दिन यूज किया तो 100 रुपए कम करो, ऐसे एग्जैक्ट अमाउंट कोई भी बता सकता नहीं है. मशीनरी के लिए भी नहीं बता सकता, फर्नीचर के लिए भी नहीं बता सकता, आईटी एसेट्स के लिए, कोई एसेट के लिए नहीं बता सकता, राइट. तो फिर कैसे निकाले हम लोग की कितना डेप्रिसिएशन हुआ होगा. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके, AS 10 हैज गिवन एन वे टू कैलकुलेट, AS 6 सॉरी, डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 6. ओके, इट हैज गिवन अ वे टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, कि क्या क्या तरीके जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि अगर ये 10 साल यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक एसेट है, आप कितने साल यूज करने वाले हो? 10 years, सिंपल वे. ओके, कितने साल यूज करने वाले हो? 10 साल. तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 1,000 रुपीज, सिंपल तरीका. ओके, ठीक है, और ऐसी कुछ अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे. टोटल सीए फाउंडेशन में देखोगे तो 5 तरीके सिखाए गए हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के. अगर सिर्फ 11th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो सिर्फ कितने 2 तरीके सीखने आपको? 2 तरीके, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड. ओके, सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, वहाँ पे लिख के रखो प्लीज, दिस क्वेश्चन जर्नी कम्स. नॉन कैश डेप्रिसिएशन क्या होता है, बाजू में लिखो नॉन कैश. नो, गुडविल यू हैव टू पे एक्चुअली ना, इट्स एन इनटैंजिबल, बट यू हैव टू पे. डेप्रिसिएशन इज नॉट समथिंग दैट यू आर पेइंग टू समबडी. ओके, गुडविल तुला एक्चुअल मध्ये पे करावं लागेल, ते मस्ट इनफॅक्ट बुक्स मध्ये येईल. सो किसके ऊपर डेप्रिसिएशन, जितने भी एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग का एक मैं कहूंगी क्लब किया जाता है, प्लांट एंड मशीनरी को क्लब किया जाता है. प्लांट क्या होगा? प्लांट मतलब क्या, पेड़ है? नहीं, हाँ, फिर प्लांट क्या होगा? हाँ, सेटअप. ओके, दैट्स एंटायर सेटअप, मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 मशीनरीज और सेटअप लाइन, जैसे कि प्रोडक्शन लाइन है, एक असेंबली लाइन है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एन असेंबली प्लांट, राइट. सो पूरे सेटअप का जो भी सेटअप होगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा. फर्नीचर होगा, ऑफिस इक्विपमेंट्स होंगे जो यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, जिसमें आईटी के एसेट्स आपके आ सकते हैं, फाइन. देन कम्स योर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कौन कौन ट्रैवलिंग कर रहा, सेल पर्सन ट्रैवलिंग कर रहा है, राइट, ऑफिस का स्टाफ, फाइनेंस के लोग ट्रैवल करते हैं, बैंक्स में जाते हैं, सो एवरीबडीज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द ऑफिस ट्रैवल्स विल बी कवर्ड हियर. जनरली प्लांट के लोग एक्सेप्ट द प्रोडक्शन मैनेजर विल नॉट ट्रैवल, नोबडी. जो प्लांट में काम करता है, मशीन के ऊपर काम करता है, उसको आप बाहर का काम करने के लिए भेजोगे? नहीं, बिकॉज इट विल बी अ लॉस टू द कंपनी. इंस्टेड ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट ही इज घूम रहा है इधर उधर, मस्त से घूम रहा है, तो उसको भेजोगे नहीं. तो ऑब्वियसली प्लांट में, फैक्ट्री में जनरली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं रहेंगे. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, क्या ये खर्चा फिनिश गुड्स बनने की बात का है? यस, सो एनी एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड आफ्टर द फिनिश गुड्स इज रेडी. ओके, इवन दो इट इज फॉर द प्रोडक्ट, आप बोलोगे मैम प्रोडक्ट बेचने के लिए तो है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, तो क्यों यहाँ पे डाला है? बट इट इज वंस द फिनिश गुड्स इज प्रोड्यूस, सो इसलिए यू नो इट इज पुट इन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन कम्स द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस में लगने वाला सारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, इंटरेस्ट पेड,
किसी किसी इंटरेस्ट पे कर सकते हो, बैंक से लोन लिया है इंटरेस्ट पे कर रहे हो, किसी फ्रेंड से लिया है इंटरेस्ट पे कर रहे हो, राइट? सो इवन समटाइम्स यू हैव टू पे द इंटरेस्ट टू द टैक्स डिपार्टमेंट, ओके? गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, पेनल्टीज लगती है, इंटरेस्ट लगता है लेट डिलेड पेमेंट्स के लिए, तो ये सारा इंटरेस्ट यहाँ पे कवर्ड है. लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, विल कम टू दिस एडजस्टमेंट. स्टार मार्क, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इसकी सेपरेट एडजस्टमेंट्स है, इसको हम देखेंगे. पैकेजिंग एक्सपेंसेस, ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट. अगर पैकेजिंग एक्सपेंसेस में दिया है प्राइमरी पैकेजिंग, ओके, राइट डाउन समवेयर डाउन द लाइन गाइस, प्राइमरी पैकेजिंग एंड सेकेंडरी पैकेजिंग. हेलो मोटो, इज दैट हेलो मोटो? नहीं ना. सेकेंडरी पैकेजिंग, व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी पैकेजिंग? ओके, एंड व्हाट डू मीन बाय सेकेंडरी पैकेजिंग? व्हाट अमेज़न डज, ओके, हाँ, पूरा एक साथ बॉक्स में वगैरह डालना. कैन यू गेट ऑयल विदाउट द ऑयल पाउच? कैन यू सेल द ऑयल विदाउट द ऑयल पाउच और ऑयल बॉटल? नो, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइमरी पैकेजिंग, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो उस पैकेजिंग के बिना सेल ही नहीं हो सकता. मिल्क कैन नॉट बी सेल विदाउट द मिल्क पाउच, राइट? ठीक है, या टेट्रा पैक के बिना वो आप लिक्विड वाली चीज़ें सेल कर सकते हो क्या? नहीं. तो अगर आप लोगों को प्राइमरी पैकेजिंग करना पड़ा, दिस हैज़ टू गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट गाइस, बिकॉज इट इज लिंक्ड टू योर डायरेक्ट प्रोडक्ट. आप वो डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर पाओगे जब तक ये पैकेजिंग नहीं करोगे, गेटिंग? तो कभी कभार ट्रायल बैलेंस में दो टाइप्स के पैकेजिंग दिए जाएंगे, प्राइमरी पैकेजिंग एंड सेकेंडरी पैकेजिंग. सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होगा? ज़रूरत नहीं है बट इसको वापस बॉक्स में डाल दिया, ओके, ठीक है. एक मेन बॉक्स है और एक ये विदाउट बॉक्स भी सेल किया जा सकता है, तो इसको प्राइमरी पैकेजिंग की जरूरत नहीं है. तो अगर सेकेंडरी पैकेजिंग है, इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मोर सिक्योर करने के लिए आप उसको एक्स्ट्रा का पैकेजिंग दे रहे हो, दैट्स इट. सो प्राइमरी पैकेजिंग ट्रेडिंग एंड सेकेंडरी पैकेजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी, वो भी सेकेंडरी. एवरीथिंग इज सेकेंडरी, यस, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना उसको, मतलब आपने उसको सिक्योर करने के लिए बॉक्स में डाला. ओके, देन कम्स अ कमीशन. व्हाट काइंड ऑफ कमीशन? एनी काइंड ऑफ कमीशन दैट यू नीड टू पे टू एजेंट. आपने उनको गुड सेल करने के लिए बोला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू आर पेइंग द कमीशन, दैट विल कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, दिस एंटायर बल्क विल सी टूगेदर विद एन एडजस्टमेंट. ये सबसे डिफिकल्ट वाली एडजस्टमेंट है. सो IMP, इसको समझने के लिए टाइम लगेगा और इसकी अकाउंटिंग समझने के लिए टाइम लगेगा, बट ये एडजस्टमेंट आपको आएगा ही आएगा 11th स्टैंडर्ड में, कोई भी कॉलेज रहे. ओके, डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू कम, बैड डेब्ट्स इज गोइंग टू कम, RDD, क्रेडिट बैलेंस. मैंने आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग में बोला था, रिजर्व्स, ऑल काइंड ऑफ रिजर्व्स विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस. बैलेंस ही पूछा था, क्या पूछा था RDD के बारे में? अच्छा, होल्ड ऑन, लेट मी फिनिश दिस एंड देन आई कम टू द क्वेश्चन. ओके, ठीक है, हाँ, पूछो. चलो, यहाँ पे क्या हुआ, देखो, हमने टोटल इनकम कितना था हमारा? 5 लाख रुपए, और आपके खर्चे जो है सब मिला के, एक्सपेंसेस जो है ये कितने के है? 10 लाख रुपीज के. क्या होगा? लॉस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ नेट लॉस, राइट? क्योंकि आपने ग्रॉस इनकम तो कमा लिया, बट आप इतना नहीं कमा पा रहे हो कि आप ऊपर के खर्चे उसमें से दे पाओ. सो दैट इज कॉल्ड एज अ नेट लॉस. सो नेट लॉस विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड एज अ बैलेंसिंग फिगर. कहाँ पे आएगा ये? क्रेडिट साइड में आएगा. क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, यहाँ पे डेबिट की टोटल करोगे 10 लाख, कॉपीड टू द क्रेडिट साइड, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी ये इस साइड में आएगा, तो यहाँ पे आपका 5 लाख का लॉस बताएगा. ओके, अगर आपका इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो बैलेंसिंग फिगर विल कम ऑन अ डेबिट साइड. बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगी एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ नेट प्रॉफिट. ओके, सो लॉस हो या प्रॉफिट हो, किससे बिलोंग करता है ये, किसका होता है ये? कंपनी का होता है. ये जो फाइनल अकाउंट्स हम देख रहे हैं, दैट वी आर सीइंग फॉर ओनली द सोल प्रोप्राइटर. ओके, किसके लिए देख रहे हैं हम? व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटर? सिंगल ओनर. ओके, हम कोई भी कंपनी का यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हैं नहीं है. ऐसा सोल प्रोप्राइटर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है
जो सेल कर रहा है ओके आपको थ्रू आउट 11th स्टैंडर्ड किसके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है, सोल प्रोप्राइटर। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किसे बिलोंग करेगा, उस सिंगल ओनर का होगा वो। ओके प्रॉफिट हो या लॉस हो वो उस सिंगल ओनर का होगा। तो अल्टीमेटली ये जो भी आता है दिस हैज टू ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो एज गुड एज आपके बिजनेस में पैसा आपका बढ़ रहा है राइट। और हमारे बुक्स में सिर्फ किसका अकाउंट है, ओनर का एक ही अकाउंट है जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। तो ये बढ़ा हुआ पैसा हम कहाँ पे ऐड कर देंगे, उसके कैपिटल में ऐड कर देंगे ओके। एंड अगर लॉस हुआ तो कैपिटल में से पैसा नेट लॉस लेस कर देंगे। सो यू विल फाइंड अ वर्डिंग ओवर हियर दैट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, यू सी दैट वर्डिंग ओके। तो ये जब ट्रांसफर होता है तो ये बैलेंस शीट में कैसे लिखा जाता है, दैट विल सी व्हेन वी लुक एट द बैलेंस शीट फॉर्मेट ओके। नोबडी विल ड्राफ्ट अ फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं खुद आपको दूंगी, आपको जो तरीके से मैं बैलेंस शीट दूंगी आपको 12th स्टैंडर्ड तक उसी तरीके से बैलेंस शीट करते आना है, क्लियर ठीक है। आपने बनाई हुई बैलेंस शीट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट यू शो इट टू समबडी एल्स इन योर कॉलेजेस टू योर टीचर्स। टीचर को तो पता चलने ही वाला है क्योंकि आप उसी तरीके से कॉलेज में बनाओगे, सो दे विल गेट टू नो। बट आई वुड सजेस्ट किसी को इसको एक्सप्लेन करने जाने की आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू मेक अ बैलेंस शीट द वे वी आर गोइंग टू मेक इट ओके ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू जस्ट कम फॉर अन आरती। एक 5 मिनट किसी को घर पर फ़ोन लगाना है तो प्लीज़ लगा लो और बता दो, एक 10 मिनट जाएगा ठीक है। मैम स्कूल में अकाउंट्स के टीचर ने भगाने के लिए सिलेबस पूछा।